श्रोताओ, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्टिस्ट साहिल लहरी जी। हेलो। हेलो साहिल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी जी जी, शुक्रिया सर। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि साहिल लहरी जी ने हाल ही में विगत फरवरी माह में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इंदौर में, जब इन्होंने लगभग पुरानी 6000 जींसों को जोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया था, जिसके लिए काफी सराहना मिली। हम उनसे जानना चाहेंगे कैसे इन्होंने वो सब किया था और कैसे इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो सब, उसके विषय में बहुत सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। साहिल जी, बताइए हमारे श्रोताओं को। जी सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आकाशवाणी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग आज मुझे सुन रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इंदौर में, मेरी पूरी टीम थी, साहिल लहरी टीम, 100 मेंबर थे उसमें, आर्टिस्ट थे जो बिल्कुल काबिल, बहुत अच्छे टैलेंटेड हुनरबाज लोग थे जो कि ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किए गए थे। जी 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 जी। तो हम सभी ने मिलके, पहले तो हमने 2.5 महीने पहले ही उसकी पूरी प्रोसेस चालू कर दिया था, मतलब 6000 यूज्ड जींस डेनिम का इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगा, मुश्किलें आई, कम से कम भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, नीमच, मंदसौर, सभी जगहों से इकट्ठा किया। यकीनन आप मानिए कि विदेशों से भी उसमें जींस आई थी, तो अप्रोक्स 6000 जींस को हमने कट किया सबसे पहले तो, और 24 घंटे में हमने इंदौर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने राजवाड़ा बनाया। जी जी। राजवाड़ा का ब्लैक एंड व्हाइट पिक को हमने देखकर उससे जींस से हम उसे बनाते गए। इसका लगभग साइज था सर 100 फीट बाय 100 फीट, मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आर्टवर्क बना था जी, जिसे कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में मतलब दर्ज कर दिया गया है अभी। अच्छा, वर्तमान आप किस विषय पे काम कर रहे हैं? हाँ, अभी सर हमारी पूरी जो टीम है, साहिल लहरी की टीम, अप्रोक्स ऑल ओवर इंडिया से 3000 आर्टिस्ट सिलेक्ट कर रही है, जिसमें कि अभी तक 2000 आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट हो चुके हैं, और अब हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे सर, इंडिया के लिए हम काम करेंगे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनेगी इंडिया में, जिससे कि गूगल पे सबसे पहले इंडिया का नाम आएगा। और सबसे पहली बात सर कि अभी जो चल रहा है अपने इंडिया में कोरोना, तो सर हमारी जो ये पेंटिंग रहेगी, ये पेंटिंग भी डेडिकेटेड रहेगी उन लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो सफाई कर्मी हैं, अपने पुलिस विभाग से जो लोग हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इन सभी लोगों को हम डेडिकेट करेंगे सर, सल्यूट करेंगे 3000 आर्टिस्ट इन सभी को। जब भी कोरोना खत्म होगा तब ये पेंटिंग को बनाया जाएगा, और अभी इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है ऑनलाइन सर। हालांकि जैसे कि सभी लोग अलग अलग तरीके से इन जो कोरोना फाइटर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, आप भी अपने तरीके से उनको सम्मान देने वाले हैं आने वाले समय में जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो बस हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप के द्वारा और आपकी टीम के द्वारा जो काम किया जाए तो एक दिन फिर से विश्व रिकॉर्ड बने, और हमारा देश का नाम जब कोई सर्च करे तो सबसे पहले भारत का नाम आए, और हम यही चाहते हैं कि हमारा देश हमेशा अग्रणी रहे हर चीज में, हर काम में,